स्तर के ऊपर में नवचेतना समिति के माध्यम से और अपने स्तर के माध्यम से शिक्षा के लिए करीब करीब 15 लाख रुपए का वितरण हमारे समाज के उन बच्चों को दिया जो कि वंचित थे, धन से वंचित थे। ऐसे बहुमान, ऐसे सम्मान, क्योंकि आज के समय में हमें हमारे लिए समय निकालना मुश्किल होता है, उसमें से भी समाज के लिए और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में रहते हुए समाज सेवा कार्य करना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम बच्चों की भाषा में कह सकते हैं कि स्काई इज नो लिमिट, बट एक अधिकारी के रूप में ये कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने आप जो भी दिनेश जी को जानते हैं, इन्होंने जो कार्य किया है और आगे भी कर रहे हैं, और मुझे खुशी होती है कि पिछले काफ़ी वर्षों से वो मेरे भी मार्गदर्शक हैं। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इनके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। आने वाला समय हमारा इस देश का समय है, हमारे युवा समाज का समय है, बच्चों का समय है। हमने मुंबई में और मुंबई के बाहर बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनके माध्यम से बच्चा काफी सुचारू रूप से चल सके। मुझे खुशी होती है कि डॉक्टर पोकर जी, मेरे अजीज मित्र श्रवण जी दामू और ये लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, बच्चों के लिए, आप सभी को मिलकर हमें ये काम करना होगा कि किस प्रकार से हम काम करते हुए आगे बढ़े और इस समाज को नई दशा और दिशा देने। महिलाओं का योगदान और सफलता के मंत्र में बच्चों ने बात बताई, निश्चित तौर पे सफलता वहाँ जरूर मिलती है जहाँ पे मेहनत है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए आप सबसे यही विनती करता हूँ कि जहाँ कहीं पे भी हम रहें, चाहे हम प्रवासी हैं, जो हमारी जन्मभूमि है या कर्मभूमि है, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें जरूर निश्चित करनी चाहिए। जिन्होंने यहाँ सूरत में 30 साल 40 साल पहले जब काम शुरू किया था तो बहुत निम्न स्तर पे काम शुरू किया होगा, या मैं समझता हूँ कि वहाँ तक सूरत तक आने के लिए भाड़ा भी कहीं और से लाएंगे, लेकिन उन्होंने आज विचार कीजिए, सूरत में 200 300 500 अगर हमारे समाज के घर है और सब अपने घर में रहते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने एसन किया, मतलब प्रॉपर्टी जो है करोड़ों अरबों रुपए की उनकी हुई है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत, लगन, निष्ठा और हमारे समाज के संस्कार दे। मैं सिर्फ आप सबसे यही विनती करता हूँ कि नन्हे मुन्ने बच्चा, आप सभी हमारे समाज के संस्कार, हमारे समाज की निष्ठा और विशेष करके जो लड़कियां हैं उनके लिए माताएं बहनें ये निश्चित करें कि हमारी बेटी को हम चलते एक मित्र के रूप में स्वीकार